अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सल्लल्लाहु। टॉरस वीकली हॉरोस्कोप 24 to 30 अक्टूबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? टॉरियन, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो हफ्ता साबित होने जा रहा है। एक तो 23 अक्टूबर को सन जो है वो आपके जायचे के 7th हाउस में आ चुका है, जहाँ पर ये बहुत अच्छा नहीं होता। और दूसरा बहुत अहम तब्दीली, 30 अक्टूबर को मरीख जो है वो आपके 6th घर से निकल के आपके 7वें और अपने ही बुर्ज में आ जाएगा। ये एक अहम तब्दीली है आपके लिए। गो कि इसके सम्राट आपको फौरी तौर पे नहीं मिलेंगे, उसकी क्या वजह ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी ये अहम तब्दीली आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित हो सकती है। थोड़ा सा प्लान कर लेंगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जायचे के 8वें हिस्से में मौजूद है। 8वें हिस्से में इसकी मौजूदगी बहुत अच्छी नहीं होती, यह आपको थोड़ी सी बैड एसोसिएशन की तरफ लेके जाता है और कुछ हैबिट्स ऐसी आपके अंदर जो है वो आती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं। लेजी थोड़ा सा आप हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी आती है इसी की वजह से, चूंकि 8th पार्ट जो है ये हमारे मेंटल स्ट्रेस का है, थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो लेके आता है। सो इस वक्त को आपको थोड़ा सा मोहतात तरीके से लेके चलना है। स्पेशली मैं कहूँगा अगर किसी भी वजह से आपकी जो है कोई विरासती मामला का इशू चल रहा था, तो फिर आपको उसको बड़ी मोहतात रवि से जो है वो लेके चलना है। और कोई स्कैंडल वगैरह आपके सामने आ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि हर जुमे को 600 ग्राम चीनी का सदका जरूर दिया करें। ये आपके लिए जो है वो बेहद ज़रूरी होगा, चूँकि समटाइम इंसान परेशानी में अपने लिए कुछ मसाइल जो है वो खड़े कर लेता है। सो आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप इस मामले में देखें और स्पेशली अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना, क्योंकि ये आपके 6th घर का भी आगे में जहाँ पे मार्स है, मार्स 6th घर में नेगेटिव हो तो ये सर्जरी को शो करता है। सो आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि थोड़ा मोहतात रहिएगा ये हफ्ता, चूँकि बिल्कुल इस हफ्ते के एंड पे मार्स यहाँ से निकल जाएगा तो मामला में कदर जो है बेहतरी आएगी। मायूसी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, ये प्लैनेट्स की वजह से है। समटाइम वीनस 8वें घर में हो तो बंदा कहता है कि पता नहीं क्या होता जा रहा है, जैसे दिल बैठ रहा है उसका, एक अनजाना सा खौफ ये उसके सामने आता है। सदका देंगे तो इंशाल्लाह ये मामला भी आपका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा रोज़ाना या काफ़ी हो या गनी हो, ये दो इसमें हुसना जो कि वीनस से मुतल्लिक हैं, इसका विर्द अगर आप अपना मामूल बना लेंगे तो आपके बहुत सारे मामला बेहतर होते चले जाएंगे। 6th घर का हाकिम, दूसरे घर का हाकिम 6th घर में मौजूद है मरकरी, और ये आपके जो है 5वें घर का भी हाकिम है, इसलिए आपके कुछ फाइनेंशियल मामलात भी आपके मिले जुले कुछ हालात के रहेंगे। आप ऐसी जॉब की तरफ जाना चाहेंगे जहां पे आपका फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो बैलेंस हो सके। अखराजात में कुछ तेजी का सामना भी आपको रहेगा, कुछ अखराजात आपको बच्चों की वजह से भी करने पड़ रहे हैं, सो इसके लिए मेंटली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि मरकरी जो है ये अब स्टैंड बाय भी है और कंबस्ट में भी नहीं है, सो मामलात आएंगे भी और जाएंगे भी। हाँ, आप ऐसी किसी जॉब की तरफ स्विच जरूर कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेहतर जो है, जहाँ से आपको इनकम मिल सके, यानी इंक्रीमेंट की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो होगी। और ये बड़ा अच्छा टाइम है चूंकि 10th में जुपिटर सैटर्न दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग मौजूद है, जो कि आपकी तरक्की को जो है वो शो कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम इंशाल्लाह साबित हो सकता है। मोस्टली लोग जो है वो अपनी फहम और फरासत से आप रुपया कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ ये भी बताता चलूँ कुछ अखराजात आपको अपनी सेहत के ऊपर भी और अपनी एनिमीज को डिफीट करने के ऊपर भी जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। 3रे घर का हाकिम आपके 2रे घर में जब हफ्ता स्टार्ट होगा उसके बाद ये 3रे घर में आएगा तो बहन भाई जो कर आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। मिड ऑफ द वीक जो है आप समझ लीजिए कि कुछ नज़दीकी ट्रैवल का मौका मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, नए आइडियाज़ आपके सामने आएंगे और ये आइडियाज़ इंशाल्लाह आपको आगे लेके जाने में मदद देंगे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आपकी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें बहुत बेहतरी आएगी, ये मामला आपके बेहतर होते चले जाएंगे। स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन है उसमें भी इस हफ्ते आपको काफ़ी बेहतरी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और जो प्रॉब्लम थी आपकी स्पेशलाइजेशन के हवाले से वो तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है, चूँकि सेप्टम जो है ये स्टैंड बाय कर चुका है। सो एजुकेशन का पूरा सेक्टर इस वक्त आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहता हुआ नज़र आता है। आपके 4थे घर का हाकिम 7वें घर में, कुछ आपको खानगी मामला जो है वो आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे।
सवारी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में जो है वो बेहतरी आपको मिल सकती है, वालदा के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, लेकिन कुछ आपकी फैमिली जो है वो आपके अज़दवाजी मामलात में इंटरफेयर भी करती नजर आ रही है, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे जो लॉर्डशिप का जो एक आंसर आएगा, यानी अपनी बात मनवाने का, अपने हुक्म जो है उसको चलाने का, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। बहरहाल इसको आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। ये कह सकता हूँ कि स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते बहुत अच्छा रहता नज़र नहीं आता, लेकिन घर की फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स के साथ, वो बहुत अच्छा रहता नज़र आता है। इसी तरह प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त के लिए भी आपको बेहतर मौके मिलेंगे और पीस ऑफ माइंड भी इंशाल्लाह मिल सकेगा। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान मौजूद है, लेकिन ये इस वक्त अगर कोई बात चलेगी भी तो वो फाइनल नहीं हो पाएगी, आपको कम अज़ कम एक हफ्ता जो है वो मजीद इंतजार करने की जरूरत है, उसके बाद आपकी मंगनी वाले मामला जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। आपके लव वंस के साथ भी आपका रिलेशनशिप कदरे थोड़ा सा जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कुछ क्यूरीज आपके सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी ओपन हो रही हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती नजर आती हैं। आपके बड़े बच्चे जो हैं वो भी कुछ सवालात कर रहे हैं, उनके मिजाज में कुछ तेज़ी का आंसर मार्स की वजह से आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मार्स भी यहाँ से जब आगे चला जाएगा तो फिर मामला आपके बेहतर होते चले जाएंगे। इनाम स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना भी इस वक्त बहुत बेहतर नहीं होगा, तो ये मामला आपको थोड़ा मोहतात रवि से चलाना। जॉब के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। हाँ, आप अगर कोई आपको बहुत अच्छा एग्रीमेंट मिलता है, रिटर्न में आपके साथ कोई मामला तय हो जाते हैं, तो फिर आप सदका दे के तो ऐसा कुछ स्टेप ले सकते हैं, लेकिन जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो फिर मामला आपकी सेहत के ऊपर मुतासर होगा और जॉब की जगह पर भी आपको मुतासर होना पड़ेगा। आपके सातवें घर में सन मौजूद है, सातवें घर में जब सन आता है तो ये डेली वेजेस के जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, ये डेली वेजेस पे जो काम करने वाले होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो देता है। आपका जो स्पाउस होता है उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपको भी यूरिनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी यूरिन से मुतालिक जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आती हैं। सन जब सेवंथ हाउस में आता है तो आपका स्पाउस या आपका जो वर्किंग पार्टनर होता है ये मामला को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, मिजाज में लॉर्डशिप आती है, अपनी मर्जी करना, अपनी बात मनवाना, ये चीज़ें मिजाज का हिस्सा जो है वो बनती चली जाती हैं। सो इस पे आपको थोड़ा सा टॉलरेंस से जो है वो काम लेना पड़ेगा, उसके बाद हालात इंशाल्लाह बेहतर होते चले जाएंगे। बिरून मुल्क सफ़र आपके लिए बेहतरीन है, सोसाइटी दो कर्म के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो रहा है, स्पेशली जो टॉरस हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मदर इन लॉ के साथ, उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ, ये सोसाइटी जितने भी सिबलिंग्स हैं आपके सबके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर होता नजर आता है। कैरियर रोजगार के हवाले से नए टारगेट्स सेट होंगे, नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और इंशाल्लाह मामला जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। इसके अलावा आपके दसवें घर में जो कि जुपिटर और सैटर्न दोनों मौजूद हैं, स्पेशली वो लोग जो कि पॉलिटिक्स में हैं या लॉ जुडिशरी से मुतल्लिका हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ इंशाल्लाह मिल सकेंगी और हसब तवक्को आप जो है वो तरक्की के जीने तय कर सकेंगे। दोस्त अब आप भरपूर तावन करते नजर आते हैं। बैरून मुल्क इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि ये वक्त उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इमिग्रेशन अप्लाई करना इस वक्त आपके लिए कतई सूदमंद नहीं होगा, बल्कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम और सवारी जगह की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं तो भी आपको अभी गुरेज करना होगा। बेहतरीन जमसून आपके लिए वाइट टू पास पहनिए, ये आपके लिए इस वक्त बेहतरीन जो है वो साबित होगा और आपको जो जहनी दबाव है उससे इंशाल्लाह इसकी वजह से जो है वो आपको उसमें कमी जो है वो मिल सकेगी और आप बेटरमेंट उससे फील कर सकें। ये समझिए कि एक किस्म की हीलिंग्स है जो जेम्स के थ्रू जो है वो की जाती है। और बेहतरीन जेम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट javajem.com विजिट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आप इससे गाइडलाइन लेते हुए अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।